नमस्कार दोस्तों, महिला तूफान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत 2022 30 मई सोमवार को है। संपूर्ण पूजा विधि परिक्रमा करने का सही नियम जरूर जान लें। सुहागिन महिलाएं जरूर ध्यान दें कि सही तरीके से कैसे परिक्रमा करें, परिक्रमा में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो, अखंड सौभाग्यवती आप रहें हो और संतान की प्राप्ति हो। और जिस श्रद्धा भाव से जो भी कामना से पति की दीर्घायु के लिए आप व्रत कर रही हो उसका फल आपको मिले। तो दान कैसे करें, किसको करें, कहाँ रखकर दान दें, बांस का पंखा ना मिले तो क्या करें, और एक कौन सी एक चीज़ आप जरूर दान करें जिससे कि आपको सोने के दान जैसा फल मिले। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही यूजफुल बातें आपको बताने वाली हूं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस दिन जो है आप सुबह जल्दी उठें, व्रत का संकल्प लें और फेरी दोपहर से पहले आप लगा लें, कर लें। और इसके लिए इस व्रत में आपको अखंड सौभाग्य के लिए शादी की लाल चुनरी जरूर ओढ़ें और 16 श्रृंगार करें, पैरों में महावर लगाएं, हाथों में मेहंदी भी लगाएं और अखंड सौभाग्य के लिए आप 16 श्रृंगार अवश्य करें। अब है कि पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले वट वृक्ष को आप प्रणाम करें। ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास पाया जाता है वट वृक्ष में, तो आप उनका ध्यान करते हुए प्रणाम करें। सावित्री जी सत्यवान जी को ध्यान करते हुए प्रणाम करें। फिर आप जो है जल से सिंचित करें, जल अर्पित करें। एप्पन जो चावल पीसकर हल्दी मिलाकर बनाया जाता है, एप्पन अर्पित करें। उसके बाद आप सिंदूर लगाएं और लाल वस्त्र अर्पित करें। पीला सिंदूर ही इस दिन लगाया जाता है। और ध्यान रखें कि अगर आपके पास से सावित्री जी और सत्यवान जी की प्रतिमा है तो आप प्रतिमा रखकर उन्हें सिंदूर, सावित्री जी को सिंदूर सर्वप्रथम अवश्य लगाएं और सुहाग की सभी चीज़ें चढ़ाएं, भोग लगाएं। और अगर नहीं है तो आप एप्पन से ही, आपको जैसा भी आए वैसा आप जो है प्रतिमा अवश्य बना लें। उसके बाद उसी प्रतिमा में सावित्री जी को सिंदूर, पीला सिंदूर अर्पित करें। भोग में आप ऋतुफल भी चढ़ा सकती हैं, ऐसे गुलगुले आटा और चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर बनाया जाता है, उसका आप भोग लगाएं। घी या का दीपक जलाएं, तिल के तेल का भी दीपक जला सकती हैं। आटे या मिट्टी का दिया है तो उसका में भी घी या तिल का तेल से आप दीपक जलाएं, और मिठाई का भी भोग लगा सकती हैं, ऋतुफल का भी। तो इस तरह से आपको जो है फोटो सावित्री जी और सत्यवान जी का रखकर प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और आपको धूप दीप भी दिखाना चाहिए, कपूर से आरती भी करनी चाहिए। और जो हो वहाँ पे महिलाएं हैं उनकी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। ये कार्य भी आपको करना चाहिए, आपके अखंड सौभाग्य के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, तो ये कार्य भी आप अवश्य करें। उससे पहले परिक्रमा करने का जो नियम होता है वो जान लें कि परिक्रमा आप कैसे करें। तो बाएँ से दाएँ करें परिक्रमा या दाएँ से बाएं करें परिक्रमा, तो इसमें आपकी ये समस्या का है कि क्लॉक वाइज आप परिक्रमा करें और जहाँ जिस स्थान पर बैठ के आप पूजा कर रही हैं वहीं से आप परिक्रमा स्टार्ट करें धागा बांधते हुए। अगर धागा ना मिले आपको तो कलेवा या रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं उसको भी धागा स्वरूप कच्चा सूत्र मानकर आप उपयोग में ला सकती हैं, या सुई धागा का पीला धागा भी आप उपयोग में ला सकती हैं। तो इस तरह से आप जहाँ पूजा बैठ कर करती की हैं वहीं से आप जो है धागा बांधना स्टार्ट करें और परिक्रमा करना शुरू करें। परिक्रमा आप यथाशक्ति करें, 7 बार करें, 5 बार करें, 11 बार करें, 21 बार या 108 बार करें। और आपको वहीं से, और ध्यान रखें कि आपका धागा कम नहीं पड़ना चाहिए, ये भूल कर भी गलती ना करें। आपको जितनी परिक्रमा करनी है घर से ही आप सोच लें कि आप कितनी परिक्रमा करेंगे, उस हिसाब से आपके पास कच्चा सूत धागा होना चाहिए। आप वहीं से जिस स्थान पर पूजा की है वहीं से आप परिक्रमा धागा बांधना स्टार्ट करें, शुरू करें, और फिर वहीं आकर आपकी एक परिक्रमा पूरी हो जाती है। और फिर वहाँ पे आपको रुककर सावित्री जी को सिंदूर लगाना है, उसी सिंदूर को अपनी मांग में भी लगाना है। उसके बाद फिर आपको दूसरी परिक्रमा करनी है। इस तरह से आप चाहे तो 5 या 7 या 21 108 बार परिक्रमा अपनी पूरी करें। और परिक्रमा में ज़्यादा भीड़ है तो ध्यान रखें कि किसी के पैर पे पैर ना आ जाए, थोड़ा सा अच्छे से परिक्रमा करें, परिक्रमा का सही नियमों का पालन करते हुए, जिससे कि आपका जो मेहनत है, जो व्रत का फल है आपको
मिले। कि सावित्री जी को किस उंगली से सिंदूर लगाएं, तो अनामिका उंगली से सावित्री जी को सिंदूर लगाएं, उसी उंगली से अपनी मांग में भी आपको लगानी है। आप जितनी बार परिक्रमा करें और परिक्रमा पूरी करने के बाद वृक्ष देवता को प्रणाम करें, धागा वहीं छोड़ दें। धागा बच जाता है तो तोड़कर उसे घर नहीं लाना है, वहीं धागा आपको छोड़ देना है, रख देना है। और परिक्रमा करते समय आपको मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए, जो सरल है, सहज है, ओम वट वृक्षाय नमः। तो इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। इस तरह से परिक्रमा करने से आप अखंड सौभाग्यवती होती हैं, अखंड सौभाग्य की वृद्धि होती है। और है प्रश्न कि अगर पंखा ना मिले तो क्या करें। तो पंखा ना मिले बांस का, तो मोर का पंखा, मोर पंख का भी यूज पंखा स्वरूप कर सकती हैं। बरगद के पत्ते का भी उपयोग कर सकती हैं खुद से पंखा बनाकर, या वो भी उपलब्ध ना हो, क्योंकि इस दिन बरगद के पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तोड़ सकती हैं लेकिन एक दिन पहले तोड़ ले तो अच्छा है, इस दिन नहीं तोड़नी चाहिए क्योंकि बरगद की वृक्ष की पूजा होती है। तो आप पेपर का भी पंखा बना सकती हैं। तो इस तरह से आप पंखा बनाएं। और दान कैसे देना है, तो बांस के पंखे या पेपर का पंखा जो भी आपके पास है, सबसे पहले उसमें आप एपन लगाएं और बरगद का एक पत्ता रख लें। उसके बाद दान की जो भी सामग्री है, फल है, ऋतु फल है, मिठाई है या सुहाग संबंधी चीज़ें हैं, उसको आप रखकर ब्राह्मण को दान दें। और ब्राह्मण जी का चरण स्पर्श करके, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उनका आशीर्वाद लेते, इस तरह से आपको दान देनी चाहिए। दान में कुछ दक्षिणा आप अपने यथाशक्ति अवश्य दें। और जो भी चीज़ें आप सुहाग की चढ़ाती हैं बरगद की वृक्ष में, वट वृक्ष में, तो उसमें से कुछ चीज़ें सुहाग की, जैसे साड़ी है या बिछिया है, पायल है, कोई भी सुहाग की चीज़ें, सिंदूर बिंदी, आप जो भी चढ़ाती हैं यथाशक्ति, तो उसका खुद भी आप आशीर्वाद स्वरूप सावित्री जी का आशीर्वाद मानकर खुद भी उपयोग में ला सकती हैं। इससे भी आपके पति की दीर्घायु होती है, लंबी आयु बढ़ती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती, शुभ माना जाता है। तो ये कार्य भी आप कर सकती हैं। सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि कौन सी एक चीज़ इस दिन दान करें। बहुत सारे राज्य में अलग अलग चीज़ें दान की जाती हैं, अलग अलग चीज़ों से शुरुआत की जाती हैं। जैसे कोई बट सावित्री का व्रत पहली बार उठा रहे हैं, तो पहली बार उठाते हैं तो पीरियड्स नहीं होना चाहिए, या गर्भवती भी हैं तो पहली बार नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आप सब चीज़ें सही हैं तो पहली बार उठाती है, तो पान के पत्ते में धान रखकर और जोड़े में ये व्रत उठाया जाता है। और जितनी भी परिक्रमा करनी है, जैसे मैंने बताया, उसे परिक्रमा करके, तो और बहुत सारे लोग परिक्रमा में भी भोग स्वरूप या परिक्रमा को याद रखने के लिए मूंगफली के दाने या चना, काला चना जो फुलाया हुआ होता है, उसका उपयोग करते हैं। बहुत लोग सुहाग की चीज़ों का भी उपयोग करते हैं। जैसे आप पांच बार परिक्रमा करती हैं तो पांच बार जो है आप वो मूंगफली के दाने या चने के दाने भी चढ़ाते हुए, सिंदूर लगाते हुए आपको भोग स्वरूप करनी है, या आटे के गुलगुले भी, कुछ भी। तो इस तरह से आपको परिक्रमा याद रहता है और भोग भी लगाया जाता है। तो ऐसे आप परिक्रमा करें। कौन सी चीज़ दान करने से सोने के दान का फल मिलता है, तो जौ, जौ का आप जरूर दान करें पंखे में रख के, जिससे कि आपको सोने के दान का फल मिले और आपके अखंड सौभाग्य के लिए, सुख शांति के लिए, वृद्धि के लिए, आपके घर के सुख समृद्धि के लिए बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल रही होंगी। मेरी जितनी भी सखियाँ सहेलियाँ वट वृक्ष की पूजा कर रही हैं, वट सावित्री का व्रत रख रही हैं उनके लिए, और सोमवती अमावस्या है, तो सोमवती अमावस्या में आप पीपल की वृक्ष में कच्चा दूध और गुड़ डालकर जरूर सिंचित करें, अर्पित करें। और शाम में सरसों के तेल में आप चाहें तो कलेवा, जो रक्षा सूत्र होता है, उसी के धागे से बाती बनाकर जरूर पीपल की वृक्ष में और दोंगे में बतासा अर्पित करें अपने पूर्वजों के लिए। और नहीं तो आप सड़क पे ही सूर्यास्त के उपरांत जो है एक दक्षिण की ओर मुख करके दिया, सरसों के तेल का या आटे का दिया भी आप जो है बाती, आप इस दिन रुई का उपयोग ना करें और गद्दे पर भी ना सोए, तकिए पर भी ना सोए, क्योंकि सोमवती अमावस्या भी है, भूमि शयन करें अति उत्तम है आपके लिए। तो आप चाहें तो धोया हुआ चादर बिछाकर भी सो सकती हैं। तो इस तरह से आप अपनी पूजा पाठ को संपन्न करें और दक्षिण दिशा में एक मिट्टी का दिया या आटे का दिया लें और उसमें आप जो है रक्षा सूत्र को बाती बनाएं और दक्षिण की ओर मुख करके दिया जलाएं। आपको पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके पितृदोष भी होंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, मेरे चैनल बनाएं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।